पॉजिटिव सोचना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है और बहुत नेगेटिविटी आ जा रही है। हाँ, मगर नेगेटिव किस चीज़ के लिए? तबीयत के लिए आती है, पैसे के लिए? दोनों चीज़ के लिए। दो ही चीज़ है, और परिस्थिति के लिए है ना। ये एक कितना नेगेटिव आता है उसके सामने पॉजिटिव सेट करो। अरे हुआ है, बोलो 10 में से सचमुच तो 10 विचार आते हैं, सब नेगेटिव आते हैं, एक भी हुआ ही नहीं अपने जीवन में कभी। सिर्फ ये होएगा नहीं होएगा, क्या होएगा क्या होएगा, सिर्फ हुआ एक भी बार। तो फिर क्यों हम मान के नेगेटिव मान के हम दुखी हो जाए? अभी पॉजिटिव, कितने लोग तो कितनी परिस्थिति बिगड़ती है तो भी शांति से रहते हैं, तो हमारी तो इतने दुख नहीं है। दुख देखना है तो लोगों के देखो कितने दुख है, उसके सामने हम कितने सुखी है, तो हम थोड़ा तो आनंद में रहे, पॉजिटिव रहे। यानी पहली स्टेप तो ये लेना चाहिए कि जितना भी मन नेगेटिव बताता है पॉइंट लिखो कागज पे, उसके सामने 1 पॉजिटिव लिखो, देखो आपको शांति कितनी हो जाएगी। और नेगेटिव सब लिख के दादा भगवान आपके चरणों में समर्पित करते हैं, मुझे पॉजिटिव रहने की शक्ति दो। आखिर मन का धंधा है नेगेटिव पॉजिटिव, हम क्यों उसकी बात में आके दुखी हो जाए? हम पॉजिटिव, मन क्या है? आप बोलो बिगड़ेगा तो क्या होएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव बगाड़ बताते रहेगा मन। तो आप बिलीफ बदलो कि नहीं अभी मुझे चलो पॉजिटिव होएगा तो क्या क्या हो सकता है, तो आपकी बिलीफ बदली हुई तो मन पॉजिटिव बताते रहेगा। उसको ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव ही बताना है। गाड़ी चलाते तो मन बताएगा एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, हम तन्मय आकार हो गए एक्सीडेंट होगा तो हाथ भी ध्रुजेंगे गाड़ी चलाने में, घर डरते जाएंगे और ठोक भी देंगे। मन बताए एक्सीडेंट हो, हाँ तेरी बात सुनी, चलो दादा भगवान का नाम लेते हैं, त्रिमंत्र बोलेंगे कुछ नहीं होगा, चलो अभी हम सत्संग में जाते तो क्या प्रश्न पूछेंगे, तो मन दूसरी बात बताएगा। तो आप प्रश्न बदलो तो मन पॉजिटिव 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 बताएगा। समझ में आता है, टेक्निक सीख लो तो दुखी भी नहीं होएंगे और मन का नेगेटिव हावी हो जाएगा, बहुत असर हो जाएगी हमारे, हावी नहीं होने देने का नेगेटिव को।